Assalamu alaikum. Our topic is about the bladder cancer. This is the bladder, and this is the ureter, and this is the urethra of the urinary tract. We're going to discuss about the cancer of the bladder. As you can see here, this is actually the cancer of the bladder. So, layers of bladder wall ko hum discuss kar lete hain ki kaun si layers hoti hain. बिल्कुल ये अंदर जो है ल्यूमेन होता है, उसके बाहर उसकी एपिथीलियम होती है जो यूरिथीलियम होती है, फिर उसका जो है आउटर मोस्ट जो है क्या होती है, पेरिटोनियम की लेयर होती है, फिर उसके दरमियान में यूरिथीलियम के नीचे लेमिना प्रोप्रिया, उसके बाहर मसल्स होते हैं जिसको डिट्यूजर मसल कहते हैं, उसके बाहर फैट होता है, उसके बाहर पेरिटोनियम होती है. ठीक है, वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैंसर ऑफ द यूरोथीलियम. स्पेशली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैडर कैंसर्स होते हैं, यूरोथीलियल कैंसर्स भी होते हैं जिनको हम ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कहते हैं, या इसके अलावा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमाज होते हैं जो स्क्वेमस सेल से बनते हैं, या एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर भी हो सकता है जिसमें ग्लैंड्स एक्चुअली हमारे पास प्रोलीफरेट कर रहे होते हैं ब्लैडर में. ठीक है, तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो यूरोथीलियम होता है, वही हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द यूरिनरी ब्लैडर कैंसर. उसके लिए जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहले ये इट इज़ ए यूक्यू, आपने याद रखना है, स्मोकिंग जो लोग करते हैं. दूसरा हमारे पास आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ब्लैडर कैंसर. थर्ड इज़ द क्रोनिक ब्लैडर इन्फ्लेमेशन अगर हो. ठीक है, फोर्थ नंबर पे रेडिएशन कीमोथेरेपी वगैरह की वजह से. फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, एक्सपोजर टू द केमिकल्स आर्सेनिक स्पेशली द डाइज टेक्सटाइल्स एंड पेंट प्रोडक्ट्स. ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होता है. सिक्स नंबर पे ओल्ड एज पे तो वैसे ही ज़्यादा हो जाता है रिस्क. ठीक है, ड्रग्स की अगर बात करें तो इसमें दो तरह की ड्रग्स आती हैं जो रोल प्ले करती हैं इन द ब्लडर कैंसर, जो कि हैं साइक्लोफॉस्फामाइड और एनल्जेसिक्स. ठीक है, कीमोथेरेपी में आ जाता है ना साइक्लोफॉस्फामाइड, और इसके अलावा शिस्टोसोमियोसिस. ठीक है, शिस्टोसोमियोसिस जो होता है ये एक्चुअली होता है क्या, शिस्टोसोमिया होता है जो एक्चुअली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को टेक पार्ट करता है. ठीक है, और इसके अलावा नेफ्थेलामाइन भी रोल प्ले करता है. तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, ओल्ड एज, क्रोनिक ब्लैडर इन्फ्लेमेशन, एक्सपोजर टू द कीमोथेरेपी रेडिएशंस, एक्सपोजर टू द सर्टेन केमिकल्स लाइक इंडस्ट्रियल केमिकल्स जिसमें नेफ्थेलामाइन है, और शिस्टोसोमियोसिस है. ड्रग्स में आ जाएँ तो साइक्लोफॉस्फामाइड, एनाल्जेसिक्स. ठीक है, ये हो गए इसके रिस्क फैक्टर्स, ये आपने याद कर लेने अच्छे से. उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ब्लैडर की कैंसर होता है उसकी जेनेटिकली एसोसिएशन क्या होती है. तो इसमें दो तरह के पैथवेज फॉलो होते हैं. ठीक है, पहला पैथवे ये होता है कि सबसे पहले क्या हो कि 9p और 9q क्रोमोसोम पे क्या हो कि पहले से म्यूटेशन आ जाए, डिलीशन हो जाए. ठीक है, डिलीशन ऑफ द 9p या 9q ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. ठीक है, यहाँ पे डिलीशन हो जाए, उसकी वजह से क्या होता है, सुपरफिशियल ट्यूमर बनता है. ठीक है, सुपरफिशियल ट्यूमर बनता है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द यूरोथीलियम, तो इसके सुपरफिशियल अगर ट्यूमर बनेगा तो वो सबसे पहले बनेगा 9p और 9q की डिलीशन की वजह से. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर हमारे पास p53 की म्यूटेशन आएगी. ठीक है, और p53 की म्यूटेशन के बाद इन्वेजन होगी. ठीक है, मतलब कि पहले जो सुपरफिशियल था अब वो इन्वेड करना शुरू कर देगा अंदर की तरफ. ठीक है, अंदर इन्वेड करेगा p53 की म्यूटेशन के बाद. ठीक है, दूसरा पैथो ये फॉलो हो सकता है कि शुरू में ही हमारे पास क्या हो, p53 की म्यूटेशन आ जाए. ठीक है, जैसे p53 की म्यूटेशन आती है, साथ ही जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमा इन सीटू बन जाता है. ठीक है, कार्सिनोमा इन सीटू अब मतलब सुपरफिशियल इतना नहीं रहा. सुपरफिशियल मींस के कार्सिनोमा इन सीटू के उसने सारी लेयर्स को इन्वॉल्व कर लिया. ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन तक सारी लेयर्स इन्वॉल्व करेगा. फिर आता है, फिर हमारे पास 9q और 9p की म्यूटेशन आती है, और फिर हमारे पास इन्वेजन होती है. ठीक है, तो ये दो पैथवेज क्या होते हैं कि नंबर वन पैथवे ये हो सकता है कि 9q के शुरू में डिलीशन हो जाए, उसकी वजह से सुपरफिशियल हमारे पास ट्यूमर बने, फिर p53 की म्यूटेशन और फिर इन्वेजन हो. दूसरा पैथवे क्या होता है, शुरू में ही p53 की म्यूटेशन आए जिसकी वजह से कार्सिनोमा इन सीटू बन जाए और 9p और 9q की डिलीशन हो और फिर इन्वेजन हो. ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा खतरनाक कौन सा होगा, ऑब्वियसली वो वाला ट्यूमर ज़्यादा खतरनाक होगा जिसमें शुरू में ही p53 की म्यूटेशन आ गई है और कार्सिनोमा इन सीटू बहुत जल्दी बन गया. ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारे पास पैथवे होता है इसका कि सबसे पहले आपको पता है सेल में कोई भी जीन की म्यूटेशन आती है. फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया दैट कैन बी ऑफ द 9p एंड 9q डिलीशन ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और दैट कैन बी p53 म्यूटेशन. ठीक है, इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 की आ सकती है, रास की आ सकती है म्यूटेशन, या RB प्रोटीन की म्यूटेशन आ सकती है. डिफरेंट जीन्स की म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे सेल्स की हाइपरप्लासिया स्टार्ट हो जाता है, फिर वो सुपरफिशियली हमारे पास रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारी बेसमेंट मेम्ब्रेन तक फैल जाते हैं, उसको कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं. और जब वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, इन्वेड कर जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को, तो दैट इज़ द इन्वेसिव कैंसर. तो यही उन्होंने फॉलो करना होता है रूट. ठीक हो गया,
अच्छा तो अब हमने डिस्कस करना है कि जब ये इस तरह से मतलब शुरू में क्या होगा कि शुरू में वो जस्ट एक छोटा सा मतलब यहाँ पे हाइपरप्लेजिया होगा, फिर उसके बाद फिर अगर हम बात करें हाइपरप्लेजिया के बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे सारी जो है मतलब सुपरफिशियल हमारे पास बनाते हैं लीजन, फिर सुपरफिशियल तक बेसमेंट मेम्ब्रेन तक बना देते हैं, फिर वो क्रॉस कर जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से। यही हमारे पास स्टेज होती है ब्लैडर कैंसर की, ठीक है। तो अब हमने बात करनी है कि किस तरह से डिफरेंट ब्लैडर कैंसर्स की जो है ना मतलब चीज़ें आ सकती हैं। या तो वो जो ब्लैडर कैंसर यूरोथीलियम पे बन रहा है, ठीक है, यूरोथीलियम है ना अंदर वाली बिल्कुल, उसमें क्या हो रहा है कि इस तरह से पेपिलरी प्रोजेक्शंस बन गई हैं, इनको हम कहते हैं पेपिलोमा, ठीक है। या ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि ये जो पेपिलोमा है ये अंदर की तरफ इन्वेड भी कर जाए, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा होता है कि वो हमारे पास फ्लैट कार्सिनोमा इन सीटू बनाए, ठीक है। पेपिलोमा जो है ये सुपरफिशियल होता है, ठीक है, सुपरफिशियल होता है। अब दूसरा हमारे पास क्या था, तीसरा क्या था कि फ्लैट हमारे पास कार्सिनोमा इन सीटू फ्लैट नॉन इन्वेसिव बन जाए, और चौथा क्या हो सकता है कि फ्लैट इन्वेसिव बन जाए, ठीक है। तो पेपिलोमा जो कि हमारे पास पेपिलोमा बनाए हुए हैं उन्होंने, और उन्होंने इन्वेड नहीं किया हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है, पेपिलोमा तो है लेकिन उन्होंने इन्वेड किया हुआ है। तीसरा क्या है, फ्लैट है इन्वेड नहीं किया हुआ। चौथा क्या है, फ्लैट है और इन्वेड भी किया हुआ है, ठीक है। इसी को हमने पढ़ना है। ये देखें ये आपकी बुक की पिक्चर है, इसमें देखें मैंने आपको पहले बताया पेपिलोमा दो तरह से कर सकता है। अगर तो पेपिलोमा बना हुआ है सिर्फ, उसने इन्वेड नहीं किया हुआ, तो वो पेपिलोमा होगा सिंपल सुपरफिशियल होगा। अगर इन्वेड कर लिया तो उसको हम इन्वेसिव पेपिलोमा कार्सिनोमा कह देंगे, इन्वेसिव पेपिलरी कार्सिनोमा। इसी तरह जो हमारे पास कार्सिनोमा इन सीटू होता है वो फ्लैट अगर है नॉन इन्वेसिव तो वो ये वाली चीज़ को करेगा, फ्लैट नॉन इन्वेसिव, और अगर उसने इन्वेड कर लिया तो फ्लैट इन्वेसिव हो जाएगा, ठीक है। हेयर अगेन ये देखें पेपिलोमा बना हुआ है पेपिलरी कार्सिनोमा, इन्वेड कर लिया तो इन्वेसिव पेपिलरी कार्सिनोमा, फ्लैट नॉन इन्वेसिव हो सकता है या फ्लैट इन्वेसिव हो सकता है। तो यही हमारे पास मॉर्फोलॉजी के लिए इसके पैटर्न्स होते हैं फोर किस्म के यूरोथीलियल कार्सिनोमा के। यहाँ पे देखें सबसे बाहर ब्लैडर लाइनिंग है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू मसल है, फैट लेयर है। ब्लैडर लाइनिंग के ऊपर पेपिलरी ट्यूमर बना हुआ है, ये फ्लैट इन्वेसिव ट्यूमर है, ठीक है, फ्लैट और इन्वेड कर रहा है, और ये फ्लैट है नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा इन सीटू। आपने जब इसकी ग्रॉस पिक्चर लिखनी है तो आप यही लिखोगे कि जो मुझे कैंसर नज़र आ रहा है ग्रॉस व्यू में वो मुझे चार तरह से नज़र आ सकता है। पेपिलोमा के फॉर्म में नज़र आ सकता है यूरोथीलियम पे, या हमारे पास जो है वो इन्वेसिव पेपिलरी हो सकता है, या मुझे फ्लैट नॉन इन्वेसिव नज़र आ रहा है, या मुझे फ्लैट इन्वेसिव नज़र आ सकता है, क्योंकि यही फोर इसके मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं ब्लैडर ट्यूमर्स के, ठीक है। ग्रॉस में आपको यही नज़र आएगा, ठीक है। क्या क्या है, इसी तरह आपने लिखना है पेपिलरी एक्सोफिटिक हो सकता है। एक्सोफिटिक होता है कि जो मैस ऊपर की तरफ बन रहा है बाहर की तरफ अंदर नहीं जा रहा, ठीक है, उसको कहते हैं पेपिलरी एक्सोफिटिक मैस। कार्सिनोमा इन सीटू फ्लैट हो सकता है, अल्सरेशन हो सकती है सिंपली, या इन्फिल्ट्रेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं इसकी टाइप्स। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है कि जो हमारे पास है मोस्ट कॉमन टाइप है ये नॉन इन्वेसिव पेपिलरी ट्यूमर की होती है, ये वाली नंबर वन वाली, ठीक है। और लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड हम इसको डिवाइड करते हैं, चार तरह के होते हैं। पेपिलोमा हो सकता है, पेपिलरी यूरोथीलियल न्यूप्लाज्म ऑफ लो मेलिग्नेंट पोटेंशियल हो सकता है जिसको हम पन LMP कहते हैं, या हमारे लो ग्रेड पेपिलरी यूरोथीलियल कार्सिनोमा हो सकता है, या हाई ग्रेड पेपिलरी यूरोथीलियल कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। मतलब पेपिलरी यूरोथीलियल कार्सिनोमा ही है, यूरोथीलियम का ही है, लेकिन वो लो ग्रेड भी हो सकता है, हाई ग्रेड भी हो सकता है, ठीक है। या इसके अलावा पन LMP हो सकता है, पेपिलरी यूरोथीलियल न्यूप्लाज्म ऑफ लो मेलिग्नेंट पोटेंशियल, या सिंपली वो पेपिलोमा हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ के उन्होंने कितनी इन्वेजन वगैरह की हुई है उसकी बेस पे हम इसको फोर टाइप्स पे डिवाइड करते हैं, अदरवाइज वो सेम चीज़ है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इसको देखें पेपिलरी कार्सिनोमा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नॉन इन्वेसिव पेपिलरी यूरोथीलियल कार्सिनोमा, तो लो ग्रेड का अगर होगा तो इस तरह से पेपिला बना होगा इसमें, ठीक है। और जो हमारे पास अगर हम सेल्स को देखेंगे तो सेल्स के अंदर क्या होगा, ATPia जो है वो होगा, ठीक है। और विद रिगार्ड टू पोलैरिटी ऑफ सेल्स चेंज हुई होगी, न्यूक्लियर साइज चेंज होगा, शेप चेंज होगी, और क्रोमेटिन टेक्सचर जो है वो चेंज हुआ होगा, ठीक है, इस तरह से। फिर ये हमारे पास एक और पिक्चर है पेपिलरी कार्सिनोमा की, दरमियान में ये देखें पेपिलरी कोड है, ये पिपिल्ला है उसके अंदर, ये उसका कोड है, ठीक है, फाइब्रोवास्कुलर, और माइल्ड डिसप्लास्टिक यूरोथीलियम हुई हुई है, ठीक है। क्योंकि ये अभी शुरू हुआ है ना पेपिलोमा है, तो ये हमारे पास इतना इन्वेड नहीं किया हुआ, तो डिसप्लास्टिक डिसप्लेजिया हुआ हुआ है लेकिन माइल्ड है, ठीक है। और लॉस ऑफ पोलैरिटी जो है वो भी माइल्ड हुई हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा लो मेलिग्नेंट पोटेंशियल वाला। फिर होता है दूसरी वाली जो टाइप होती है हमारी यूरोथीलियल कार्सिनोमा की आफ्टर द पेपिलरी टाइप, होती है कार्सिनोमा इन सीटू। पेपिला जो था वो हमारे पास सुपरफिशियल था या इन्वेड किया हुआ था, अब जो कार्सिनोमा इन सीटू होता है उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ तक सारी एपिथीलियम जो है
उसमें डिस्प्लेसिया होगा तो उसको हम कार्सिनोमा इन सीटू कह देंगे। अब कार्सिनोमा इन सीटू जो है इसमें क्या होता है कि जो है फ्लैट यूरोथीलियम के ऊपर जो है सारी जो एपिथीलियम होती है वो हमारे पास सेलुलर एटीपी उन्होंने शो किया होता है, उनका जो कोहेसिवनेस होती है एक दूसरे के सेल्स की एक दूसरे के साथ वो लॉस हो गई होती है, ठीक है, और वो सेल्स जो है वो यूरिन में रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं लार्ज राउंड न्यूक्लियोलाई हैं, उनके न्यूक्लियस हैं बड़े बड़े न्यूक्लियस हैं और न्यूक्लियोलाई भी उनके लार्ज हैं, ठीक है। तो इसमें आप यही लिखोगे कार्सिनोमा इन सीटू पे मुझे नज़र आ रहा है कि फुल थिकनेस एपिथीलियम में डिस्प्लेसिया हुआ हुआ है, जो मुझे सेल्स नज़र आ रहे हैं वो लार्ज हैं राउंड हैं और उनकी जो न्यूक्लियोलाई हैं वो भी लार्ज हैं, उनकी कोहेसिवनेस लॉस हुई हुई है, ब्लू कलर के न्यूक्लियस मुझे नज़र आ रहे हैं और इनकी जो अपेयरेंस है वो हमारे पास पेजिटॉइड अपेयरेंस है, ठीक है, पेजिटॉइड अपेयरेंस, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। तो ये हो गया हमारे पास कार्सिनोमा इन सीटू और पेपिलरी कार्सिनोमा। ये इसकी जो है वो थोड़ी सी माइक्रोस्कोपिकली है कि नॉर्मल जो यूरोथेलियल के सेल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उनमें अबंडेंट साइटोप्लाज्म और छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, इस तरह के सेल्स होते हैं। लेकिन हाई ग्रेड ब्लैडर कैंसर में जो हमें सेल्स नज़र आते हैं वो इनलार्ज होते हैं, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो लार्ज और डार्क हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप वो जो सारी मैलिग्नेंट की करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, प्लियोमॉर्फिज्म, न्यूक्लियोलाई और साइटोप्लाज्मिक रेशो चेंज हुआ हुआ है, कोहेसिव पैटर्न जो है वो डिफरेंट हो गया हुआ है, एटीपी बहुत ज़्यादा है, एप्लेजिया है, माइटोटिक फिगर्स हैं, कोहेसिव पैटर्न है और लो ग्रेड है, ठीक है, ये सारा आप लिखोगे इसके अंदर। तो ये हो गई इसकी ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिकली पिक्चर सारी। इसके अलावा एक और कैंसर होता है, मैंने आपको बताया कि स्क्वैमसल कार्सिनोमा होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने देखे ना पेपिलरी वाले पैटर्न जिसमें पेपिला था, ठीक है, वो लो ग्रेड से हाई ग्रेड जाता है फिर इन्वेड करता है, मतलब उसमें P53 की म्यूटेशन इतनी जल्दी नहीं आती। लेकिन जो फ्लैट हमारे पास होते हैं ना कार्सिनोमा इन सीटू वाले, वो ऑब्वियसली सारी एपिथीलियम को इन्वेड किया हुआ है तो वो हाई ग्रेड होते हैं, वो इन्वेसिव होते हैं और उनमें अर्ली P53 की म्यूटेशन आती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो फ्लैट वाले होते हैं सेल्स कार्सिनोमा इन सीटू वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। अब स्क्वैमस सेल्स का यही आपने याद रखना है कि वो हमारे पास स्क्वैमस मेटाप्लेजिया की वजह से होता है। अगर हमारे पास जितने भी हमने अभी कॉजेज पढ़े हैं, क्रोनिक सिस्टाइटिस है, सिस्टोसोमियासिस है, या हमारे पास नेफ्रोलिथियसिस बहुत अरसे से चल रही है, तो उस वजह से क्या होता है कि स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो जाता है। मेटाप्लेजिया जब होगा यूरोथीलियम का, वहाँ पे जो सेल्स हैं उनका जब स्क्वैमस मतलब आपको पता है ना, वैसे तो हमारी ब्लैडर की जो वॉल होती है वो यूरोथीलियम होती है, ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम होती है, लेकिन अगर उसमें मेटाप्लेजिया हो जाए स्क्वैमस का, तो स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो जाए तो वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के बारे में बस आपको यही पता होना चाहिए कि उसमें क्या होता है कि कैटनाइजेशन ज़्यादा हो जाती है। और इस तरह से एडीनो कार्सिनोमा जो ब्लैडर का होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ऐसे ही बता रही हूँ, मतलब लिख के नहीं और इस पिक्चर से नहीं बता रही, वैसे ही बता रही हूँ, थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए कि जो ब्लैडर के ग्लैंड्स होते हैं उनके अगर मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाए तो वो एडीनो कार्सिनोमा होता है। और वो जो ज़्यादातर जो ब्लैडर का एक रेमनेंट होता है यूरेकल रेमनेंट, ठीक है, जब हमारी फीटल लाइफ होती है ना एम्ब्रियोनिक लाइफ, उसमें क्या होता है कि जो यॉर्क सैक के साथ ना यॉर्क सैक का लिंक होता है फीटल के फीटस के ब्लैडर के साथ एक चीज़ के साथ, मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ यॉर्क सैक, ठीक है, और ये ब्लैडर है, उसके दरमियान में एक जो लिंक होगा ना वो एक यूरेकस के थ्रू होता है, ठीक है, ये फीटस में होता है, हमारे अंदर नहीं होता। तो ये अगर इसका रेमनेंट रह जाता है, यूरेकस का रेमनेंट रह जाता है, उसकी वजह से जो ब्लैडर का कार्सिनोमा होता है ना वो अराइज करता है, एडीनो कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये जो है मतलब दरअसल यूरेकस जो होता है इसके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, उस वजह से ये अराइज करता है। और ज़्यादातर ये जो ट्यूमर होता है ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, एडीनो कार्सिनोमा डोम ऑफ ब्लैडर में ज़्यादा होता है, ये ब्लैडर है ना इसका जो डोम होता है यहाँ पे मोस्टली ये कैंसर अराइज करता है ग्लैंडुलर वाला। और इसके साथ साथ बस यही आपको पता होना चाहिए एडीनो कार्सिनोमा का, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें आपको क्या मिलेगा कि इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया मिल सकता है, गॉबलेट सेल्स वगैरह इसमें मिलेंगे जो कि ब्लैडर में नॉर्मली नहीं होते, ठीक हो गया। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स हैं हमारे पास ब्लैडर के, ब्लैडर कैंसर के, कि ब्लड यूरिन में आ रहा होता है, एब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट को, लोअर बैक पेन होती है और ब्लैडर इरिटेशन हो रही होती है ब्लैडर कैंसर के पेशेंट्स को, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इनको ट्रीट कैसे करना होता है, तो ये बात आपने याद रखनी है, जो हाई ग्रेड कैंसर्स होते हैं वो ज़्यादा इन्वेड करते हैं, ठीक है, लो ग्रेड जो होते हैं वो ज़्यादा रिकरेंस करते हैं, मतलब एक दफ़ा हमने उनको रिमूव किया वो दोबारा हो जाते हैं, ठीक है। तो उनकी बेसिस पे हमने इनको जो है ना मतलब देखना होता है कि सेल्स जो हैं, सबसे पहले हमने बायोप्सी की, हमने देखा कि सेल्स किस तरह के हैं, उनका ट्यूमर का साइज़ कैसा है, वो किस स्टेज पे हैं, मल्टीफोकल है, उनका माइटोसिस एक्टिविटी उनकी कितनी है, उनमें डिस्प्लेसिया कितना है। जब हमने ये सारा कुछ देख लेना होता है उसके बाद हमें ट्रीटमेंट करनी होती है। तो उसमें जो नंबर फर्स्ट पे जो ट्रीटमेंट आता है वो ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये रिसेक्टोस्कोप नज़र आ रहा है, हम इसके थ्रू ब्लैडर में जाते हैं और ये जो ब्लैडर ट्यूमर होता है इसको रिसेक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं, दिस इज़ अ ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन, ठीक है, जो लोकलाइज होते हैं।
उसके बाद जो हमारे पास आता है ट्रांस यूरेथ्रल डिसेक्शन, उन लोगों उन हम ब्लैडर ट्यूमर्स के लिए करते हैं जो लोकलाइज होते हैं, एक जगह पे लोकलाइज हो फिर हम उनको इजीली रिमूव कर सकते हैं ना रिसेक्टोस्कोप से। इसके अलावा जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं वो BCG, आपको पता है BCG जो होता है ये एक्चुअली हमारे पास होता है टाइफॉइड सॉरी TB के लिए ना, TB के लिए। अच्छा, तो ये जो BCG होती है इसको हम ब्लैडर के थ्रू अंदर ड्रग को एंटर करते हैं, ब्लैडर के अंदर कैथेटर के थ्रू अंदर एंटर करते हैं। इस थेरेपी को हम कहते हैं इंट्राविजाइकल थेरेपी, ठीक है। BCG से क्या होता है कि ये ना हमारे पास वहाँ पे ग्रैनुलोमास बना देता है, जिसकी वजह से वो जो कैंसर होता है ना वो फैलता नहीं है, वहाँ पे ग्रैनुलोमेटस लोकल हो जाता है, जिससे जो ट्यूमर होता है ना वो वहाँ पे ही लोकलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बात है, तो ये है BCG का फ़ायदा, ठीक है। रिसेक्टोस्कोप कर लिया हमने, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन हमने BCG के थ्रू रिमूव कर दिया। अब ये आता है केस, वो तो थे ना हमारे लोकलाइज ट्यूमर्स जिनको हमने एक जगह रोकना था, ठीक है, उनको इन्वेड नहीं करने देना था, ये लोकलाइज थे उनको बाहर निकाल दिया। अब ये होता है कि जो ट्यूमर्स बार बार रीकर कर रहे होते हैं, मतलब हमने उनको रिमूव किया फिर हो गए, रिमूव किया फिर हो गए, मोस्टली मैंने आपको बताया लो ग्रेड ट्यूमर्स ऐसा हरकतें करते हैं, रिमूव करते हैं फिर हो जाते हैं, उसके लिए हम रेडिकल सिस्टेक्टमी करते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि सारा का सारा ब्लैडर जो है उसको रिमूव कर देते हैं, अलॉन्ग विद द लिम्फ नोड्स, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, उनको भी हमें रिमूव करना पड़ जाता है, यूरिथ्रा को भी रिमूव करना पड़ जाता है। ये सारा एरिया जो होता है इसको हम रिमूव करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं ताकि वो ट्यूमर जो है वो ना फैले, ठीक है। तो ये सारे इसके ट्रीटमेंट है। उसके बाद ब्लैडर कैंसर की थोड़ी सी जो है ना स्टेजिंग है। स्टेज जीरो में क्या होता है, नॉन इन्वेसिव पेपिलरी कार्सिनोमा होता है। स्टेज वन में क्या होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू तक चला जाता है, लेमिना प्रोप्रिया में, ठीक है। स्टेज थ्री में क्या होता है, वो मस्कुलर लेयर में चला जाता है। और स्टेज फोर में क्या होता है, वो फैटी टिश्यू को इन्वेड करके बाहर चला जाता है स्टेज थ्री में, ठीक है। सो ये इसकी स्टेजिंग है थोड़ी सी, मैंने ऑन द बेसिस ऑफ इसकी जो लेयर्स होती हैं वो बताया आपको। दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड कैंसर्स।